अब बात आपके पसंदीदा चैनल गुड न्यूज की करते हैं, जिसकी चर्चा साहित्य आज तक में जोर शोर से हुई। खबरों के हमारे पॉजिटिव नजरिए की यहां मेहमानों ने जमकर तारीफ की है। जी हां, अपने एक साल के सफर में गुड न्यूज टुडे आज जिस मुकाम पर खड़ा है वो खुद इस बात का सबूत है कि लोगों के लिए सच्ची और अच्छी खबरों के आखिर मायने क्या है। आपके इस प्यार और साथ के लिए शुक्रिया। कविताओं की खनक, ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का सांस दे देना। क्या बात है, क्या शेरो शायरी की महफिल। काम करने की निशानी बे असर निकली। लेखकों के दिल की बात। कारगिल पे बैठ के देश की रक्षा कर रहा है बर्फों में अभी। माइक के लालों का जलवा। साहित्य और कला के इस विराट महाकुंभ के बीच एक आवाज खास अंदाज में गूंजी और वो थी सच्ची और अच्छी खबरों की आवाज। एक साल के सफर में गुड न्यूज ने जो पहचान बनाई है वो साहित्य आज तक में आए मेहमानों की जुबान पर भी छाई रही। आपने तो गुड न्यूज टुडे खोला है। हाँ। किसी ने तो खोला कि यार गुड न्यूज भी एक चीज है। खबरों की दुनिया में गुड न्यूज टुडे ने करीब एक साल पहले दस्तक दी थी। खबरों की आपाधापी के बीच बेहतर और शुभ समाचारों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। और नतीजा ये कि साहित्य आज तक में जीएनटी का रुतबा यहाँ आए मेहमानों के सिर चढ़कर बोला। अपने चाहने वालों को, जीएनटी के फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये इकलौता इंडिया का ऐसा चैनल लॉन्च हुआ है जो सिर्फ पॉजिटिव खबरें दिखाता है, अच्छी खबरें दिखाता है, सच्ची खबरें दिखाता है। वी डोंट शो नेगेटिविटी। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे प्यार करिए और फैमिली से प्यार करिए। फैमिली से ऊपर बढ़कर कुछ नहीं है। और भगवान से प्यार करिए और भगवान से प्यार करिए, उससे बात करिए, उससे जो मांगना है मांगो। बेहतर बातें और बेहतर कोशिशों को जिस तरह जीएनटी ने दर्शकों तक पहुँचाया है, उस पहल को दर्शकों की खूब तालियां मिल रही है। मेरा एक शेर है कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। तो अच्छी बात पॉजिटिव अप्रोच ही है। अगर आप अच्छी बात कर सकते हैं तो आप एक अच्छे आदमी हैं, कामयाब आदमी हैं। वाकई गुड न्यूज का मतलब ही होता है कि सच्ची और अच्छी खबरें, क्योंकि उसी से फीलिंग गुड होता है, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप कर देते हैं तो अच्छी बात है। हमारे कलाकारों को भी अच्छी अच्छी खबरें देते रहिए, उनको भी गुड न्यूज देते रहिए, उनको भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म देते रहिए। गुड न्यूज टुडे न केवल अच्छी और सच्ची खबरों का मंच है, बल्कि उन कोशिशों को भी खबरों की दुनिया की सलामी है जो बेहतर होकर भी खबरों का हिस्सा नहीं बन पाती। लेकिन आज सकारात्मक खबरों का अपना खुद का ठिकाना है और गुड न्यूज के इस ठिकाने की हर कोई तारीफ कर रहा है। आई थिंक दिन तो पॉजिटिव से शुरू होना चाहिए और पॉजिटिव न्यूज हमेशा आपको लड़ने की शक्ति देती है। आई थिंक सब वो लाइफ का ही मंत्र है ना, कि आप जब कुछ भी आपके लाइफ में गम है इधर उधर है तो एक पॉजिटिव न्यूज आपको उठा देती है आई थिंक कई गमों से, तो वो तो बहुत जरूरी है। अभी गुड न्यूज टुडे के सफर ने पहला पड़ाव पार किया है, मंजिल और भी है और रास्ता लंबा है। लेकिन जिस अंदाज में अच्छी और सच्ची खबरों का डंका गुड न्यूज पर बजा है, उससे साफ है कि खबरों का ये अंदाज दर्शकों के साथ दिग्गजों को भी खूब भा रहा है। शगुफ्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।